हेलो गाइस, वेलकम टू एमीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव। तो सबसे पहले हम हमारे गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं और एक कढ़ाई ले लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे होल स्पाइस अखे गरम मसाले। मैंने इसमें डाला है ज़ीरा, लौंग, इलायची, काली मिरी, दालचीनी और तेज़पत्ता। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे स्लाइस्ड अनियन। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये स्लाइट पिंकिश ना हो जाए। ये देखिए, ये स्लाइट पिंक हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक जिंजर गार्लिक का जो स्मेल है वो चला ना जाए। अब हम ऐड करेंगे चिकन। अब इसे भी अच्छे से 2 मिनट सौते कर लेंगे जब तक हमारा चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। ये देखिए, चिकन का कलर भी चेंज हो गया है और अच्छे से ऑयल भी रिलीज हो गया है। अब हम ऐड करेंगे दही। अब इसे भी अच्छे से 2 मिनट भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सॉल्ट, चिकन मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छे से 2 मिनट भून लेंगे ताकि कि उसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें ऐड करेंगे स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज। और अब ऐड करेंगे आलू, मेरा फेवरेट वेजिटेबल। आलू मुझे इतना यमी लगता है कि मैं हर रोज़ खा सकती हूँ। अगर आप चाहें तो आलू स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ। अब ऐड करेंगे टमाटर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मसाला जल ना जाए इसलिए हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। अब इसका लिड लगाएंगे और आलू और चिकन को थोड़ी देर गलने छोड़ देंगे। अब हमें ऐड करना है कोरिएंडर लीव्स एंड मिंट लीव्स, जिसे कहते हैं पुदीना और हरा धनिया। नाउ गिव अ गुड मिक्स एंड पुट द लिड फॉर 5 मिनट्स। ओ ब्यूटीफुल, क्या खुशबू आ रही है मसालों की। अब इसका टेस्ट और खुशबू और एनहांस करने के लिए हम इसमें डालेंगे केवड़ा। ये भी ऑप्शनल है। नाउ वी विल ऐड अ सोक्ड राइस। मैंने जो है राइस को 1 घंटा पहले से भिगा के रखा था कि वो अच्छे से पके। अब हम इसमें चावलों के हिसाब से सॉल्ट ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए। बस अब इसमें कुछ नहीं ऐड करना है, इसका लिड लगाना है और इसे अच्छे से पकने देना है। लवली स्मेल। अब हम एक चॉपस्टिक की हेल्प से चेक करेंगे हमारे चावल अच्छे से पके हैं कि नहीं। ये देखिए, जब चॉपस्टिक भी कुछ भी नहीं चिपक रहा है मतलब अच्छे से पक चुका है। ये देखिए, हमारे चावल बिल्कुल स्टिकी नहीं बने, बहुत अच्छे से खुले खुले बने हैं। नाउ इट इज रेडी टू सर्व। I can't wait to have this. अगर आपको आगे ऐसी और रेसिपीज चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड डू शेयर, लाइक एंड कॉमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।